सो हेलो एवरीवन। तो ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्लस प्लस, इसमें हम आज भी क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको जो है पिछले लेक्चर में दिया था, तो इस आज जो भी क्वेश्चंस होंगे इसमें जो हमारा लास्ट दो वाला क्वेश्चन होगा और एक हमारा नया क्वेश्चन भी होगा जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा वो जो है काफी बार रहता है कि आपके इंटरव्यू में वैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे कि आपको पूरा आइडिया लग सके हम कैसे सॉल्व करेंगे। और जितने भी यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं इनको जो है सिर्फ आप देखिए नहीं, इनको जो आप जरूर पेन पेपर से लेकर के अपने लॉजिक क्रिएट कीजिए, फिर जो है आप उसको जो है कंपाइलर पर, जो भी आपके पास कंपाइलर हो उस पर आप लिखिए, ठीक है, उसको रन कीजिए, तब जाकर के आपको आइडिया लगेगा कि यार कैसे काम कर रहा है। और जो भी एरर होगी उसको आप फाइंड कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि इफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, फाइंड आउट द एग्रीगेट मार्क्स एंड परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट, अज्यूम दैट द मैक्सिमम मार्क्स दैट कैन बी ऑब्टेंड बाय ए स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट इन इज 100। तो यहाँ पर यह चीज दे दिया है कि ईच सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स हो सकता है वो है 100, और यहाँ पर जो आपके टोटल सब्जेक्ट हैं वो है 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5 सब्जेक्ट गिवन है, डिफरेंट सब्जेक्ट। तो जो ये 5 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो जो यूजर खुद इनपुट करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आप एक पेन और पेपर लीजिए और जो भी क्वेश्चन उसको पढ़िए और अपना एक लॉजिक यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रोग्राम कैसे होगा। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 जो है अपने वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, लाइक सब्जेक्ट 1 हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट 2 हो जाएगा, इस तरह से हमारे 5 वेरिएबल होंगे सब्जेक्ट 5 तक। और हम क्या करेंगे, सीन करा लेंगे, ठीक है। आपको पता है कि सी प्लस प्लस में सीन जो हमारा होता है इससे क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं फॉर इनपुट एनी वैल्यू। तो अगर मैंने लिख दिया इस तरह से सीन, और ये मेरा हो जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पर जो भी वेरिएबल रहेगा, और ये मेरा सेमी कॉलन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल होगा उसमें जो मेरी फर्स्ट वैल्यू आकर के इनपुट हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो अगर मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया फर्स्ट टाइम और मैं चाहता हूँ कि वो जो है सब्जेक्ट 1 में स्टोर हो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर लिख दूंगा सब्जेक्ट 1। और मैं चाहता हूँ कि सिमिलरली मुझे क्या करना पड़े, सेकेंड वाले में करना पड़े, तो मैं क्या करूंगा सीन करके और यहाँ पर लिख दूंगा सब्जेक्ट 2, सेमी कॉलन रहेगा सब में, ठीक है। ऐसे ही मैं तीसरे वाले के लिए क्या करूंगा सब्जेक्ट 3 करूंगा। लेकिन यहाँ पर अब देखिए आप लिख रहे हैं बार बार सीन 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 बार बार लिख रहे हैं, तो इसके लिए एक हमारा यहाँ पर शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट नहीं मतलब कि सी प्लस प्लस में चीज डिफाइंड है, हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें बहुत सारे इनपुट लेने हो तो हम क्या करेंगे सीन कर दिया, फिर जो है सेम ऑपरेटर यूज करेंगे, यहाँ भी सी सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, सस्ते नशे कर रहा हूँ लग रहा है आजकल। यहाँ पर मेरा रहेगा सब्जेक्ट 1, फिर यहाँ पर मैं सेम ऑपरेटर यूज करके यहाँ पर लिख दूंगा सब्जेक्ट 2, फिर अगेन सब्जेक्ट 3। तो ये क्या करेगा कि जितनी मेरी वैल्यूज रहेगी उनको जो है, अगर मान लो मैंने वहां पर इनपुट कर दिया, जो मेरा ऑनलाइन कंपाइलर होता है वहां पर क्या होता है हम पहले ही इनपुट दे देते हैं। तो अगर मैंने सपोज इनपुट कर दिया 20, फिर 30, फिर 25 और फिर 24, तो क्या करेगा 20 जो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट 1 में जाएगा, 30 जो सब्जेक्ट 2 में जाएगा, 25 सब्जेक्ट 3 में, 24 जो है सब्जेक्ट 4 मेरा रहेगा उसमें जाएगा, फिर अगेन मैं सब्जेक्ट 5 लिखूंगा और मेरा सेमी कॉलन यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सीन करा लेंगे 5 वैल्यूज को। अब फिर क्या कर रहा है, फाइंड आउट द एग्रीगेट मार्क्स। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे मार्क्स है सबको क्या करना है ऐड कर लेना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं एग्रीगेट मार्क्स, और क्या करेंगे इसमें सभी वेरिएबल को ऐड कर लेंगे, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस इस तरह से जितने हमारे होंगे सब्जेक्ट 5 तक हो जाएंगे, ठीक है। और हम सी आउट करा देंगे, सी आउट से हम क्या करते हैं प्रिंट करते हैं किसी भी वैल्यू को, सी आउट करा देंगे एग्रीगेट ए डबल जी और मार्क्स, ये क्या करेगा इसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अब देखिए परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, कितने जो है एग्रीगेट मार्क्स हैं, एग्रीगेट मार्क्स अपॉन में
टोटल मार्क्स इंटू 100, तो ये हमारा क्या करेगा, परसेंटेज निकाल देगा। तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करके यहाँ पर सी आउट करा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहीं पर सी आउट सेम चीज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैंने लिख दिया सी आउट और एग्रीगेट मार्क्स, एक हो गया, फिर अगेन लिख दिया मैंने सी आउट और मेरा जो है एग्रीगेट मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 5 सब्जेक्ट हैं तो टोटल 500 हो जाएगा इंटू अपॉन में 500 इंटू 100 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो सकता है हमारा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम दो बार सी आउट ना यूज करके यहीं पर कर दें सी आउट, और अगर आपको स्ट्रिंग भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे मार्क्स लाइक मार्क्स आर, और यहाँ पर स्पेस बीच में दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अगेन ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा मेरा यहाँ पर जो भी है इसको ये एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट कर देगा, फिर मैं इसको लिख दूंगा AGG मार्क्स, तो ये मेरा क्या है एक वेरिएबल, इसको प्रिंट कर देगा। अगेन मुझे दूसरा प्रिंट कराना है तो सेम ऑपरेटर यूज करूंगा, और सेम ऑपरेटर के बाद से मैं क्या करूंगा कि परसेंटेज मार्क्स यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटेज मार्क्स लिख करके फिर अगेन एक करके, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा वो जो मेरा पूरा एक्सप्रेशन है इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ और फिर यहाँ पर सेमीकॉलन लगा दूंगा। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा बाद में रिटर्न जीरो समथिंग जो भी रहेगा आपका फंक्शन के टाइप पर डिपेंड करेगा, उसका रिटर्न टाइप पर डिपेंड करेगा कि आप रिटर्न जीरो लगाओगे या नहीं लगाओगे। तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन, और इसके हम प्रोग्राम को देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख लिया है और टाइम बचाने के लिए ऐसा मैंने किया है। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड की जो कि आपकी होती है आईओ स्ट्रीम यहाँ पर। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ये मैं यूज करता हूँ सी इन और सी आउट के लिए, यह मैंने आपको बताया था अपने सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पर आपका इंट मेन हो गया, और हमने क्या किया इसके बाद से सभी जो भी हमारे नंबर्स रहेंगे, ठीक है, जो कि स्कोर किए गए हैं उसको हमने क्या करेंगे, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू हमारे वेरिएबल्स हैं इनमें हमने इसको स्टोर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आपका क्या है कि वेरिएबल है सब्जेक्ट वन टू और सब्जेक्ट थ्री सब्जेक्ट फोर सब्जेक्ट फाइव, और एक मेरा वेरिएबल है एग्रीगेट मार्क्स। इसका यहाँ पर देखिए जैसे आप देखोगे आपको पता चल जाएगा अच्छा ये जो है हमारा एग्रीगेट मार्क्स टोटल है। यानी यहाँ पर क्या करेंगे सी आउट कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर हमने स्ट्रिंग प्रिंट किया, ये क्या है टोटल मार्क्स सारे प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद हमारा वेरिएबल आ जाएगा। और फिर हमने क्या किया एंड, यहाँ पर देखिए स्पेस मैंने दिया थोड़ा सा जिससे कि हमारा जो एग्रीगेट मार्क्स प्रिंट होगा उसके बीच में और एंड के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेस को प्रिंट करा। इसके वजह से परसेंटेज मार्क्स आर, और ये मेरा एक यहाँ पर एक्सप्रेशन पूरा है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, एग्रीगेट मार्क्स अपॉन में 500, और ये जो है आपका यहाँ पर ये ब्रैकेट्स लगाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप जो है कुछ अलग ही रिजल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो सबसे पहले ये कैलकुलेट हो जाएगा, फिर उसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा। तो आप जो इस चीज को हमेशा ध्यान ही रखें कि ऐसे जो भी एक्सप्रेशन होंगे उनको आपको ऐसे जो है जिसको सबसे पहले परफॉर्म करना है उनको आप जो है इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर लिखें जिससे कि आपके जो रिजल्ट हैं डिजायर्ड रिजल्ट है वही आपको मिले। काफी बार क्या होता है कि यार हम ऐसे इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, अपना एक्सप्रेशन तो लिख देते हैं लेकिन हम जिस तरह से सोचते हैं वैसे जो है वो एक्सप्रेशन अगर वहां पर आपके प्रेसिडेंस वगैरह जो होते हैं उनके हिसाब से क्या होता है कि कुछ और भी रिजल्ट दे सकता है। तो हमें क्या करना होता है इसका ध्यान रखना होता है। तो ये चीजें हमारी दोनों यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बस इतना हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम इनपुट देते हैं, 5 हमने इनपुट दे दिया, कस्टम इनपुट है 10 10 5 हमने कर दिया, और इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ रन करा देता हूँ, और रन कराने के बाद हमें पता लगेगा कि इसमें कोई एरर है या पूरा प्रोग्राम हमारा सही चला है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो ये देखिए हमारा क्या आ रहा है, टोटल मार्क्स आर 50।
ठीक है, और परसेंटेज मार्क्स दे रहा है 0। अब ऐसा 0 क्यों दे रहा है, ये हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है, हमने यहाँ पर क्या गलती की है। तो यहाँ पर मेरा एग्रीगेट मार्क्स अपॉन में 500। ओके, तो एक चीज और है जो मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया था, और उसकी वजह से हमारा यहाँ पर ये जो है हमें गलत आउटपुट मिल रहा है, वो ये चीज है कि जो हमारा ये एग्रीगेट मार्क्स है, अगर हमने इसको इंटीजर यहाँ पर डिक्लेयर किया है, तो अगर सपोज कीजिए कि 0.5 आता है, तो उसको क्या करेगा, उसको राउंड करके लिख देगा, इंटीजर वैल्यू में 0 लिख देगा। अगर 0.4 आता है तो इसको भी 0 लिख देगा, ठीक है। अगर 1.7 आता है या 5 आता है तो इसको 1 लिखेगा। ये हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमारा क्या हुआ, 50 मार्क्स यहाँ पर मिले थे, यहाँ पर 50 आप पुट करोगे और 500 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट समथिंग आएगा, और इसी की वजह से हमारा 0.1 आएगा, और इसी की वजह से 0.1 को क्या करेगा, राउंड करके 0 कर देगा, और 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि हम सबसे अच्छी बात है कि या तो हम सिर्फ इसको इंट रखें और इसको जो है फ्लोट कर लें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो भी फ्लोट हो सकते हैं, तो आप इसको भी यहाँ पर फ्लोट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें थी, अब इसको फिर हम रन कराएंगे अगेन। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि क्या मैंने लिखा है, ठीक है। तो मैंने इसको इतना चेंज किया था, अब मैं यहाँ पर इसको रन कर लेता हूँ। आज आउटपुट आ गया और ये हमारा है, यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स कितने हो गए, 50, और परसेंटेज मार्क्स हमारे यहाँ पर 10 दे रहा है, ठीक है। तो अब हमारा पूरा प्रोग्राम सही है। तो आपको जो डीबग करना भी आना चाहिए, क्योंकि आप जब कोडिंग कर रहे हो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको एरर ना मिले, और एरर मिलेगी तो आपको खुद को डीबग करना है, तो इसलिए आपको डीबग करने आना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, और वो है मेरा कि टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इन 400 डिग्री इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू सेंटीग्रेड डिग्रीज। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, अभी जो मैंने आपको पिछला सवाल बताया है अगर आपने उसको अच्छे से समझा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इन 400 डिग्रीज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, यानी कि यूजर जो खुद इनपुट करेगा कि कितना जो है टेम्परेचर है, वो भी किसमें है, जो हमारा यूनिट होता है टेम्परेचर, सॉरी 400 जो यूनिट है इसमें कितना है, ठीक है। तो अब इस जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आपका एक यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज होगा। अब देखिए, एक हमें एक्सप्रेशन पता होता है, और वो एक्सप्रेशन हमारा होता है अगर हमें फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड को, तो हमारा होता है डिग्री सेंटीग्रेड और इनटू 9/5 प्लस 32 होता है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सी को क्या कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ माइनस 32 और इनटू 5/9 हो जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन है जिसमें हम क्या करेंगे, अगर कोई भी वैल्यू एफ की जगह पर पुट करते हैं जो कि 400 डिग्री में होगी, तो हमें ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट करके दे देगा कि वो जो वैल्यू है किसके कितने जो सेंटीग्रेड डिग्री के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इससे हमें इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें क्या करना होगा, एक सीन करा लेंगे, एक यहाँ पर टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, इंट टेम्प कर लेंगे या फिर फ्लोट टेम्प कर लेंगे। उसके बाद से हमें क्या करना होगा, सी आउट कराएंगे, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग पास करेंगे, वैल्यू इन सेंटीग्रेड डिग्री इस तरह से बना लेंगे, इज कर लेंगे, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा, फिर अगेन हमारा सेम ऑपरेटर यूज होगा और ये वाला एक्सप्रेशन हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉरेन हाइट है इसकी जगह पर हम लिख लेंगे टेम्प, और बाकी सारी चीजें हमारी सेम रहेगी, यहाँ पर सेमी कॉलन लग जाएगा,
ये हमारा क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। इसके प्रोग्राम को भी देख लेते हैं जल्दी से। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका हमने यहाँ पर पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। इसमें क्या है, सबसे पहले हेडर फाइल और ये जो हमारा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसको हमने लिख लिया। फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल यहाँ पर बनाया है जो कि हमारा एफ टेम्प, मतलब कि फॉरेनहाइट टेम्परेचर। और इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट करा लेंगे यूजर से। तो हमने सीन लिखा और ये जो हमारा यहाँ पर है, ये पूरी लाइन क्या करेगी, इनपुट करा लेगी। अब हमें क्या करना था, उसको जो कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो हमने लिख लिया ये स्ट्रिंग कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज, और इसके बाद से हमने एफ टेम्प जो हमारा है उसमें से माइनस करेंगे 32 और इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 का, और ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन जो है वो हमें दे देगा डिग्री सेल्सियस में वैल्यू। अब जैसे हमें क्या पता है कि जो हमारी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू होती है 100, उसका जो है फॉरेनहाइट में वैल्यू होता है 212। तो हम क्या करते हैं, 212 यहाँ पर इनपुट कर देते हैं फॉरेनहाइट में, और इसको रन कराएंगे तो हमें जो है 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर मिलना चाहिए। तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और देखिए टेम्प इन डिग्री सेल्सियस इज 100। ठीक है, तो आई थिंक ये हमारा जो है बहुत ही ईजी था। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो है हमारा एक थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पर, इसको हम देखते हैं। इसको हम दो मेथड से करेंगे, दोनों को एक वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पर टू नंबर्स आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड इनटू लोकेशंस एक्स एंड वाई, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरचेंज द कंटेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम, सबसे पहली बात की जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, थोड़ा सा इस तरह से लिखा गया है कि अगर कोई भी पढ़ता है इसको, तो अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा कि यार लोकेशन को हम कैसे इंटरचेंज करेंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज पता है कि हमारे जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप इस सवाल को एकदम जो है आप तुरंत समझ जाओगे करना क्या। तो सबसे पहले देखिए कि वेरिएबल होता क्या, वेरिएबल हमारे जो जो भी मेमोरी लोकेशंस हैं उनको एक नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा कुछ कि int a, तो ये क्या है, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ। लेकिन वेरिएबल का मतलब ये है कि हमारी जो मेमोरी है इसमें जो है एक पर्टिकुलर मेमोरी को वो यहाँ पर a नाम दे दिया गया कि जब मुझे एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूँगा, इस वाले मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करूंगा। सिमिलरली यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर x और y दो हमारे मेमोरी लोकेशन है तो इनको क्या कर रहा है कि इंटरचेंज करना है। तो सिंपली क्या करना है, यानी कि आपके जो वेरिएबल में वैल्यूज हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर 10 है, तो क्या होगा कि ये जो मेमोरी लोकेशन है वहां पर जो है 10 स्टोर किया गया है। ऐसे अगर बी में मैं कुछ रखता हूँ तो क्या मतलब है कि जो मेरी जो है यहाँ पर मेमोरी लोकेशन है वहां पर कुछ और वैल्यू स्टोर की गई है। तो यहाँ पर इंटरचेंज करना है इनका, यानी कि ए और बी की जो वैल्यू है इनको इंटरचेंज करना है। सिमिलर ये जो है सिंपल सी बात है। तो ऐसे यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज को हमें इंटरचेंज करना। अब ये करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हमारा जो एक मेथड वन है, और यार ये सवाल जो है काफी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप जो है इसको बिना किसी तीसरे वेरिएबल का यूज करके कीजिए, तो वो मेरा होगा मेथड टू। अभी मैं बात करता हूँ सबसे पहले मेथड वन की। तो देखिए आपको पता होगा कि जब हम सिंगल इस तरह से इक्वल का साइन लगाते हैं तो मैथ में इसका मतलब क्या होता है कि इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल मतलब होता है कि अगर मैंने लिखा ए और इक्वल का साइन लगा और 5 लगाया, तो इसका मतलब है कि ये जो मेरी मेमोरी लोकेशन है ए, इसमें मैं इसको असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ए वैल्यू रख रहा हूँ। इसका सिंपल से इतना मतलब होता है, यानी असाइन करना होता है। कभी भी इसके मतलब बोलना कि ए इज इक्वल टू, इक्वल नहीं बोलते हैं, ए असाइन टू 5 इज असाइन टू ए, ये बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने क्या बोला कि ए इक्वल्स, यहाँ पर मतलब असाइन कर रहा हूँ मैं ए प्लस बी, ए में मैं असाइन कर रहा हूँ ए प्लस बी, तो मैथ में तो हमारा ये चीज वैलिड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर वैलिड होगी। क्यों, क्योंकि हम असाइन कर रहे हैं, यानी कि ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को ऐड करके और फिर जो ए वाली हमारी लोकेशन है वहीं पर रख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से है कि मान लेते हैं मेरी एक मेमोरी है और यहाँ पर मेरा एक लोकेशन है ए,
ये मेरी एक लोकेशन है बी, यहाँ पर मैंने स्टोर किया 5, ए स्टोर किया 6। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा ए पर जो वैल्यू है, यानी कि ए पर कौन सी वैल्यू है 5 है, बी पर कौन सी वैल्यू है 6 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए और बी को ऐड कर रहा हूँ, यानी ए प्लस बी कितना हो जाएगा 6, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11 हो गया। तो जो मेरी 11 वाली वैल्यू आ रही है इसको अगेन मैं रख रहा हूँ इस ए वाली लोकेशन पर, यानी कि अब मेरा ये 5 न रह करके यहाँ पर हो गया 11। ठीक है, तो इस सेम यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट है। अब इसी का यूज करके अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो आप जरूर इसको सोचिएगा वीडियो को पॉज करके कि हम यार कैसे कर सकते हैं इन दो वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल को लेके हम तीसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास एक एक कप है ए और दूसरा कप है मेरे पास बी, तो जब मुझे इसमें मान लो कि इसमें है मिल्क और इसमें है वाटर, अब मुझे क्या करना है कि मिल्क को इसमें डालना है और वाटर को इसमें डालना है। तो आपको ये चीज एकदम आइडिया एकदम क्लियर हो गया होगा कि मुझे एक तीसरे यहाँ पर पॉट की जरूरत पड़ेगी जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मिल्क को इसमें डाल दो या फिर वाटर को डाल दो, जिससे कि मेरा यहाँ पर जो एक पॉट है वो यहाँ पर खाली हो जाए और मैं क्या करूँ दूसरे वाले को उसमें जो भी क्वांटिटी है उसको मैं यहाँ पर डाल दूँ। और फिर जो है आप क्या करोगे इंटरचेंज आसानी से करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, मिल्क को इसमें मैंने डाल दिया, ये वाला खाली हो गया, मैं वाटर को इसमें डाल दूंगा, वाटर वाला खाली हो गया, अब मैं मिल्क को इसमें डाल दूंगा, तो हो गया मिल्क इसमें आ गया और वाटर इसमें आ गया। तो ये सेम चीज को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ या फिर मैं नीचे लिख लेता हूँ, जगह ही नहीं है। सेम मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पर मेरी मेमोरी लोकेशन हो गई एक्स वाई, और मैंने क्या किया एक और मेमोरी लोकेशन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लूंगा, इंट टेम्प या फिर फ्लोट टेम्प, जो भी वैल्यू आप ले सकते हो, जो भी डेटा टाइप होगा वो ले सकते हो। ये मैंने कर लिया। अगेन मैं क्या करूंगा, मैं ये चीज नहीं बता रहा कि इनपुट कैसे लेना है क्योंकि आपको ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनपुट आप ले लोगे, इनपुट लेने के बाद से मैं क्या करूंगा वो बता रहा हूँ। ये मेरा एक वेरिएबल हो गया। अब जो मेरा एक्स वाला वेरिएबल है मैं क्या करूंगा, एक्स में एक्स को असाइन कर देता हूँ टेम्प में, असाइन हो गया। मैंने क्या किया ए वाली वैल्यू है ये वाला पॉट की क्या किया उठा करके यहाँ पर रख दिया ये टेम्प वाले में। अब मैं क्या कर सकता हूँ वाई वाले को यहाँ पर उठा के डाल सकता हूँ एक्स में, तो वाई में मैंने रख दिया एक्स को। ठीक है, अब मैं वाई वाली जगह पर टेम्प वाली वैल्यू को रख सकता हूँ, तो वाई वाली जगह पर मैंने क्या रख दिया, सॉरी ये क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने क्या किया कि टेम्प वाली वैल्यू में एक्स को रख दिया। अब मेरी ये वाली जगह खाली हो गई, मैं क्या करूंगा एक्स वाली जगह पर वाई को रख दूंगा। ठीक है, तो मैंने एक्स एक्स में क्या रख दिया वाई को रख दिया। अब वाई वाली मेरी जगह खाली हो गई, खाली का मतलब अभी भी वो वैल्यू रहेगी जो भी वैल्यू रहेगी, लेकिन ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि ये वाली वैल्यू मेरी डिलीट हो जाएगी या फिर रिप्लेस हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा अब टेम्प वाली जो वैल्यू है उसको वाई में असाइन कर दूंगा इस तरह से टेम्प, एकदम आपका यहाँ पर परफेक्ट काम करेगा। और आपको क्या होगा कि अब एक्स में जो हमारी वैल्यू थी वाई वाली वो आ जाएगी और वाई में जो हमारी एक्स वाली वैल्यू थी वो वाली आ जाएगी, यानी कि दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। आप इसको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से सोचिएगा क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी दो एग्जाम्पल दे दिए हैं कि कैसे हम इसको करते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड टू की, कि हम जो है सिंगल सॉरी दो वेरिएबल का यूज करके कैसे करेंगे, हम तीसरे वेरिएबल को यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा, एक तो है एक्स और एक है वाई, मैं क्या करूंगा एक्स में असाइन कर देता हूँ एक्स प्लस वाई। तो मैं जो यहाँ पर एक्स और वाई को ऐड करके एक्स में रख दिया मैंने। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से आपको दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। मान लो कि मैंने यहाँ पर 7 ले लिया, इसको 10 ले लिया, तो मेरा जो लोकेशन रहेगा एक्स वाला
इसमें कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। वाई वाले में अभी भी कितना है, 7 है। मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना है। अब मैं क्या करूंगा कि वाई वाली वैल्यू में, ठीक है, मेरे पास से 17 आ गया, इसकी वैल्यू अभी भी x है, इसकी वैल्यू 7 है। तो देखिए हम ये जो असाइन कर रहे हैं इसी ऑपरेटर का यूज करके इनको इंटरचेंज करेंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर y में मैं लिखूंगा, असाइन करूंगा x माइनस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है, 17, y की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो 17 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ गया, जो कि y में अब आ गया। ठीक है, इसके पहले कितना था, 7 था, लेकिन अब 7 रिप्लेस हो गया 10 से। लेकिन अभी भी मेरे x में क्या वैल्यू है, x में मेरी वैल्यू है 17 है, क्योंकि मैंने अभी x को रिप्लेस नहीं किया। जब यहाँ पर मैंने रिप्लेस किया था 10 को, 17 से हो गया था इससे, तो ये मेरा हो गया। अब मैं x में क्या करूंगा, अगेन y की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, x की वैल्यू अभी भी 17 है, तो मैं x माइनस वाई फिर लिखूंगा। ये आपके यहाँ पर सेमी कॉलन रहेंगे, तो आपका y में आ जाएगी x वाली वैल्यू और x में आ जाएगी y वाली वैल्यू। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से फिर सोचना, क्योंकि ये जो है हमारा पूरा का पूरा खेल यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, किसी एक में हम रख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ये दो एक्सप्रेशन आएंगे। हमने x में क्या किया, x और y को ऐड करके असाइन कर दिया, यानी कि अब हमारी जो 10 वाली वैल्यू थी वो हो जाएगी रिप्लेस 10 प्लस 7 से, यानी 17 आ गया। लेकिन y की वैल्यू अभी भी वही है, तो हम क्या करेंगे, x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 17 में से अभी y की वैल्यू जो हमारी थी 7, उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमें मिल जाएगा 10। और सिमिलरली अब हमारी y की वैल्यू क्या हो गई है, 10 हो गई है, लेकिन x की वैल्यू अभी भी 17 है, तो अगेन हम फिर वही काम करेंगे, 17 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे x में वैल्यू आ जाएगी 7, जो कि y की वैल्यू थी पहले। ठीक है, तो ये दो चीजें, लेकिन सबसे मेन और इम्पोर्टेंट मैं इसको बोलूंगा कि ये जो है आपके और भी जितने काफी प्रोग्राम रहेंगे वहां पर ये आपकी जो टेक्निक है इंटरचेंज करने की, ये यूज होगी। ठीक है, बहुत सारे आपको प्रोग्राम आगे देखने को मिलेंगे वहां पर सेम चीज आप क्या करोगे, इस तरह से टेम्प वेरिएबल यूज करोगे और इस तरह से करके आप वहां पर इनको इंटरचेंज करोगे। सेम काम वही ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन ये जो है ज्यादा लोगों को ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा आसान है। इसमें आपको ज्यादा सोचने पड़ सकता है कि कैसे हम करेंगे, तो इसको भी आप देख लेना और इसको भी देख लेना। काफी बार इंटरव्यू में आपके पूछ जाता है कि दो वेरिएबल का यूज करके सिर्फ करना है आपको, दो नंबर्स को आपको दोनों वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना है, तो इसका भी यूज है, इसका भी यूज है। इसके प्रोग्राम को एक बार देख लेते हैं कि हमारा इसका प्रोग्राम कैसा बनेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने इसके लिए भी कोड लिख लिया है, और इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, जो हमारा मेथड वन था उसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर क्या था कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया टेम्प, और दो मेरे वेरिएबल वहाँ पर गिवन थे जो एक्स और वाई थे, उसको मैंने ले लिया। और हमें क्या करना था, दो वैल्यूज यहाँ पर इनपुट करानी है, तो दोनों में इनपुट करा लिया। फिर मैं आपके मतलब यूजर को ये दिखाने के लिए कि हाँ ये मेरी पहले जो है इंटरचेंज करने से पहले ये वैल्यूज थी एक्स और वाई की, और इंटरचेंज करने के बाद ये वैल्यूज हो गई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सी आउट वाला मैसेज यहाँ पर लिखा, वैल्यूज बिफोर इंटरचेंज, और x की वैल्यू क्या थी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्रिंट करा देंगे। और फिर y में क्या वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर कर दिया। और एंड l क्या होता है, इसका मतलब होता है एंड लाइन। इससे हमें क्या मिलेगा कि जो हमारे कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे इससे इसके बाद चला जाता है। ठीक है, तो अभी आप जब आउटपुट देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और इसके बाद हमने क्या किया, जो मैंने वहां पर आपको बताया था लॉजिक उसी को मैंने अप्लाई किया है। x वाली वैल्यू को टेम्प में असाइन कर दिया, x वाली में फिर y वैल्यू को असाइन कर दिया, और फिर अगेन क्या किया, y में टेम्प को असाइन कर दिया, और फिर मैंने सी आउट करा दिया कि मेरी जो इंटरचेंज वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं, x में अब आ जाएगी y वाली वैल्यू, लेकिन हमें क्या करना है, x में x को ही प्रिंट कराएंगे और y में क्या करेंगे, y को ही प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और फिर एंड लाइन हमने कर दिया रिटर्न 0। ठीक है, तब जैसे मैं यहाँ पर दो इनपुट देता हूँ, 2 और 3 है, और इसको मैं रन कराऊंगा।
तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर ये रन हो चुका और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो चुका। यहाँ पर देखिए वैल्यूज बिफोर इंटरचेंज, एक्स की वैल्यू क्या है 2 है और वाई की वैल्यू 3 आ रही, लेकिन इंटरचेंज करने के बाद एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2 हो गई है। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, मेथड 2 यहाँ पर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो मुझे जो है तीसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं है, मैं तीसरा वेरिएबल पूरी तरह से हटा दूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा, एक्स में असाइन करूंगा एक्स प्लस वाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे एक्स में जो वैल्यू है इसमें से मैं वाई को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, अब वो जो भी वैल्यू आएगी वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो मैं वाई में असाइन करूंगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, यानी कि अगर जैसे वहां पर क्या था 10 और 7 था, तो 10 प्लस 7 17 हो गया, और 7 को मैंने यहाँ पर फिर क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो मेरा आ जाएगा अब वाई में वैल्यू उसका अपोजिट वाला। और अगेन मैं क्या करूंगा, एक्स में असाइन करूंगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका रिजल्ट सेम हमें मिलने वाला है। इसको मैं यहाँ पर रन कराऊंगा। और यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अगेन देखिए एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू हमारी है 3, और इंटरचेंज करने के बाद से एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू हमें 2 मिल रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं एंड एल यानी कि एंड लाइन नहीं यूज करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, तो वो सब मेरा एक ही लाइन में आएगा। यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका, और देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ये कई लाइन में पूरा आ जा रहा है। ठीक है, जो कि मेरी पहली लाइन थी यहाँ तक, और उसके बाद से मेरी यहाँ से सेकेंड लाइन स्टार्ट हुई थी। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई कि हमें इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने देख लिया 3 प्रोग्राम, और आई होप कि आपको तीनों प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछना। बाकी जो है ये मेरा लास्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए रहेगा, जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। और एक क्वेश्चन मेरा है कि इफ ए 5-डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बस हिंट देने वाला हूँ, बाकी काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो जैसे क्या है कि कोई भी नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर ये चीज क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि 5 डिजिट की नंबर है। ठीक है, बाकी जो है आगे हम देखेंगे कि अगर वहां पर यूजर कितने भी डिजिट का नंबर इनपुट करता है तो उसको कैसे करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना क्लियर है कि आपकी जो नंबर होगा वो सिर्फ 5 डिजिट का होगा, यानी कि 2 3 5 0 4 4 मान लो गया। तो यहाँ पर हमारा 5 डिजिट का नंबर है, तो हमें क्या करना है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 4 इनको क्या करना है, ऐड करके यहाँ पर आउटपुट कर देना है। इसको हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको फिर अगेन एक हिंट देता हूँ। यहाँ पर हमारे 2 ऑपरेटर यूज होंगे, एक हमारा डिवीजन ऑपरेटर और एक हमारा मॉड्यूल ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है, अगर मैंने क्या किया कि ए को डिवाइड किया 10 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वैल्यू देगा कि कितने टाइम से यहाँ पर डिवाइड हुआ है। लेकिन ये मॉड्यूल ऑपरेटर हमारा क्या करता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर देगा। लाइक अगर मैं ए में असाइन करता हूँ 23 और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाई 10 क्या देगा, 2 देगा, और ए मॉड्यूलो ऑपरेटर 10 क्या देगा, 3 देगा। ठीक है, ये दो इन दोनों में इतना डिफरेंस है, और आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये मेरा रिमाइंडर दे रहा है और यहाँ पर है। ठीक है, तो बस आगे मैं नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आप सोचना, और इसके सोल्यूशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और यार चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।